भाईजान, आज के वीडियो में आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस मेकअप लुक के लिए मैंने किसी भी आई शेडो का यूज़ नहीं किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेकअप लुक तो आप वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे टोनर, क्योंकि मेकअप से पहले अपनी स्किन को आप प्रेप ज़रूर करें। उससे आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखेगा और काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा। फिर आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंटर के लिए भी अच्छा लगता है और समर दोनों में मैं इसे यूज कर लेती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं पॉन्स के प्रोडक्ट्स इसलिए। और अपने नेक पे लगाना बिल्कुल ना भूले। फिर मैं अपने ब्रो को फिल कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे लॉरियल का ब्रो आर्टिस्ट किट लिया है। इसमें आपको दो सेट मिल जाएंगे और ये ब्रश भी मिल जाएगा आपको। काफ़ी इजी है ये आईब्रो को फिल करने में। और मेरे आईब्रो में जहाँ गैपिंग है मैं सिर्फ उसी एरिया में फिल करूँगी। और इस जो ये जो ब्रश है उसके बैक साइड आपको स्पूली मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप कॉम्ब भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक कंसीलर ले ली हूँ। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर है। 150 में आपको आसानी से मिल जाएगा। और जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो ये मुझे 97 रुपीस में मिल गए थे। हाँ, इसका डिलीवरी चार्ज मुझे 58 रुपीस देना पड़ा था। तो इसके जो प्राइस है वो अप डाउन होते रहते। फिर मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइट का प्राइमर लिया है, काफ़ी अच्छा प्राइमर है। अगर आपको ग्लोई लुक पसंद है तो आप इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्राई स्किन वाले तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। विंटर है तो आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे नायका का ये फाउंडेशन लिया है, काफ़ी अच्छा शेड है मेरी स्किन टोन के लिए। और आप फाउंडेशन लगाए तो पहले थोड़ा थोड़ा लगाए, अगर आपको लगे हाँ और ज़रूरत है तो आप दोबारा ले सकते फाउंडेशन अच्छे से थोड़ा सा लेके, और फिर उसे ब्लेंड करें अच्छे से। फिर अगर आपको ज़रूरत लगे तब दोबारा फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी इजी होता है ब्लेंड करने के लिए, मुझे इजी लगता है। अगर आपको ब्रश से इजी लगता है तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने अंडर आई एरिया आई लिड में बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये फुल कवरेज कंसीलर है, इसकी सबसे अच्छी बात है ये फुल कवरेज है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो इसका येलो अंडरटोन है मुझे वो भी अच्छा है। मेरा जो भी शेड है, आपको जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उस सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर एक लूज पाउडर लिया है, ये लैक्मे का रोज पाउडर है, काफ़ी अच्छा है ये भी और काफ़ी अफोर्डेबल है इसलिए। और बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ मैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, विंटर है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है पाउडर, लगा के अच्छे से मैं एक ब्रश की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर से रिमूव कर लूँगी। और अपने ईयर पे, नेक पे ज़रूर पाउडर लगाया, पाउडर कंसीलर वो कंसीलर नहीं सॉरी पाउडर और फाउंडेशन अगर आप यूज़ करें तो आप अपनी नेक एरिया पर भी लगाएं। फिर यहाँ का जो आज का जो मेकअप लुक है उसके लिए मैंने किसी भी आई शैडो का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर ये मैं नायका की कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और ये जो शेड है ये मेरा फेवरेट शेड है, तो इसलिए मैं इस मेकअप लुक को आज क्रिएट कर रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा सा लगाया फिर स्मच किया, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई। तो आपको थोड़ा थोड़ा लेना, स्मच करना, थोड़ा थोड़ा लेना और स्मच करना, आप देख सकते हैं। और आपको स्मच अच्छे से करना है। तो मैं बहुत अपनी क्रीज एरिया तक नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा क्रीज से नीचे लगाऊँगी इसे, मैं बहुत ऊपर तक नहीं जाना मुझे। फिर मैंने यहाँ पर हिलारी रोडा का ये गोल्डन आईलाइनर है इसे मैं थोड़ा सा लेके हैंड पे फिर डैप करके अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। तो इसे भी मैं बहुत थोड़ा लगा रही हूँ, देख सकते हैं आई मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पे स्टेक वर्की का काजल लिया है, इस काजल को भी मैंने थोड़ा से स्मच किया है। तो फिर यहाँ पे मैं फेस कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ये पैलेट लिया है, काफ़ी अच्छा है ये भी। इसमें जो ब्लश है, हाईलाइटर, तीनों ही अच्छे हैं। अगर आप चाहे तो अपनी फोरहेड को भी कॉन्ट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं ज़रूरत लगता है क्योंकि मेरा फोरहेड छोटा है इसलिए मैं नहीं करती। ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट यूज किया, थोड़ा सा मैं अपने नोज़ पे भी लगा रही हूँ ब्लश। और यहाँ पे हाइलाइटर देख सकते हैं, इसका हाइलाइटर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कॉन्ट्रोल, तो मुझे दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे। ब्लश भी अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा पीच कलर का ब्लश पसंद है इसलिए, लेकिन हाइलाइटर और कॉन्ट्रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आपको जहाँ अपने हाइस पॉइंट पर, मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये।
यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने फॉल्सेस लगाए हैं जो बहुत नेचुरल लुक दे रहे हैं, हैवी नहीं लग रहे। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे दो शेड लिए हैं, एक जो है वो डार्लिंग इजाबेला का है शेड नंबर 3, और ये जो सेकंड है वो फ्यूसिया पिंक कलर है, इसे मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था, ये इंक कलर की लिपस्टिक है। इसका लिंक मुझे ऑनलाइन मिला तो मैं दे दूंगी, नहीं तो मैं शेड नंबर दे दूंगी, आपको लोकल मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा लिप्स के सेंटर में हाइलाइटर लगा रही हूँ और सेटिंग स्प्रे की मदद से अपने पूरे मेकअप को सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा फाइनल लुक है, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो। तो आई होप आपको ये मेरा आज का मेकअप लुक पसंद आया, कैसा लगा आपको ये मेरा आज का मेकअप लुक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कोई और भी मेकअप लुक देखना चाहते तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।